एक शव को लेकर के लोग जा रहे थे, तो सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, राधा नाम सत्य है, माधव नाम सत्य है। भगवान शंकर जी ने देखा, पार्वती जी से कहा, देखो देवी जी हमारी मेजॉरिटी वाले सब मिल गए। पार्वती मैया ने कहा कौन मिल गया? बोले देखो हम भी वही कहते हैं कि भगवान का नाम सत्य है, ये सब भी वही कह रहे हैं भगवान का नाम सत्य है। हाँ सब हमारी मेजॉरिटी वाले मिल गए, ये भी तो वही कह रहे हैं राम नाम सत्य है और हम भी तो वही कहते हैं। भगवान शंकर तो यही कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, जन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, देवी सत हरि भजन, हरि का भजन ही सत्य है और सब झूठा है, और ये भी तो वही कह रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा देवी हम चले उनके पास। भगवान शंकर पहुंच गए, बारात जा रही थी, आगे आगे मुर्दा, पीछे पीछे लोग राम नाम सत्य है। भगवान शंकर भी चल पड़े, राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, करते करते कहां पहुंच गए? घाट पे। घाट पे पहुंचे, लाश को रखी गई, चिता जोड़ी गई, जितने लोग बैठे थे सब ज्ञान वैरागी की चर्चा कर रहे थे। अरे भैया किस चीज का लोभ, किस चीज का मोह करें, कैसा अभिमान, कैसा घमंड, एक दिन सब चला जाना है। देखो फलाने कितने अच्छे व्यक्ति थे, चले गए। भगवान शंकर ने विचार किया, भैया ये भजनानंद के साथ साथ ज्ञानी भी हैं और साथ साथ वैरागी भी हैं। हाँ सब ज्ञान वैरागी की चर्चा कर रहे थे। जैसे मुर्दा जल करके समाप्त हुआ सब चल पड़े। भगवान भोले बाबा ने विचार किया, चलो हम भी इन्हीं के साथ चलते हैं, इन्हीं के साथ रहेंगे। चल पड़े और रास्ते में जैसे सब वापस आए, एक ने कहा भैया क्या बताए, इनको आज ही मरना था। अरे ये कल मरे होते तो कम से कम आज मैं अपने मुकदमे की तारीख देख करके आ जाता, इनको आज ही मरना था। एक ने कहा भैया इनके आज मर जाने से मेरा 1,00,000 रुपए का नुकसान हो गया, अगर ये कल मरे होते, अगर ये कल मरे होते तो आज मेरा नुकसान नहीं होता। भोले बाबा ने विचार किया कितने झूठे हैं संसार वाले, एक तरफ कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है और एक तरफ कह रहे हैं कि ये कल मरे होते तो मेरा ये काम बन जाता। भोले बाबा ने विचार किया इनके साथ रहने लायक नहीं। भोले बाबा वहां से निकले, पहुंच गए पुनः कहां, घाट पे जहां लाश जरी थी। उस राख को हटा हटा करके उसको ढूंढने लगे, वो मुर्दा मिला नहीं, राख को उठाया, शरीर में मर्दन कर लिया और सबको संदेश दिया। क्या संदेश दिया? यही गति है और कुछ है नहीं। हाँ बहुत लोग होते हैं जिंदगी में बड़ा सीरियस रहते हैं, बड़ा दुखी रहते हैं। हाँ मेरा ये काम नहीं बन रहा है, वो काम नहीं बन रहा है, बहुत लोग बहुत दुखी रहते हैं। अच्छा विचार करिए, आपकी बहुत बड़ी कोई समस्या हो, आज दुखी रहो, आप आज दुखी रहो, रात्रि में मर जाओ तब क्या हो, आपके साथ साथ वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो हम मरने से पहले क्यों मरें, विचार करिए, मरना है कल परसों, पता नहीं कब मरेंगे, उसके पहले चिंता में बार बार मरे। किसी ने कहा है जिंदगी को ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले क्योंकि यहां से जिंदा बच के जाने वाला कोई नहीं है, कोई जाएगा? जब बहुत बड़ी विषम परिस्थिति आ जाए तब यही सोच लो कि आज मेरा अंतिम दिन है। अच्छा एक बहुत बढ़िया ट्रिक आपको बता रहा हूँ जीने का, जब बहुत विषम परिस्थितियों में घिर जाओ तब सोचो कि आज अंतिम दिन है। अच्छा अगर कोई बता दे कि आज आपका अंतिम दिन है, कल आप नहीं रहोगे, तो आप क्या करोगे? विचार करो, बताओ क्या करोगे? माँ आपको ये कोई बता दे कि माताजी बस आज ही है, कल जाना है, तो क्या करोगी आप?
आप यही विचार करोगे चलो भैया सबसे मिल लिया जाए, सबसे प्रेम व्यवहार निभाया जाए, आज खुश रह ले कम से कम, आनंद पूर्वक आज बिता ले, यही तो करेगा। जब किसी को फांसी की सजा होती है तो उससे पूछी जाती है भैया आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो जो जीवन में उसके लिए महत्वपूर्ण होता उसी की डिमांड करता है, क्योंकि उसे पता है कल मर जाना है। तो क्या करें जब विषम परिस्थिति में घिर जाएं, तो विचार करें कि आज अंतिम है, हो सकता है कि कल ना रहे, कल रहेंगे तो और बढ़िया जिएंगे, अगर नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, समस्या भी समाप्त हो जाएगी, हम भी समाप्त हो जाएंगे, कल रहेंगे तो और बढ़िया जिएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, बार बार दुखी रहते हैं, बार बार मरते हैं। एक बात बताऊं, कोई बात बने तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, बने बिगड़े भगवान के ऊपर छोड़ो, देखो कितना आराम मिलता है। हम आप क्या करते हैं, हम आप भगवान के सामने मालिक बन बैठते हैं, और हमें बनना क्या चाहिए, मैनेजर बनना चाहिए, मुनीम बनना चाहिए, मालिक नहीं बनना चाहिए। अच्छा फैक्ट्री में नुकसान हो तो मैनेजर का नुकसान होता है, मुनीम का नहीं होता, उसको तो समय पे तनख्वाह मिलता है, नुकसान किसका होता, बोले मालिक का। सो भगवान के ऊपर छोड़ो ना, भगवान मालिक हैं, नुकसान होगा सो देखा जाएगा, भगवान देखेंगे, अरे हम तो भगवान के नौकर हैं। लेकिन बस कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहने के लिए मानते नहीं है। तो क्या करना है, आप जिस अवस्था में हो, चाहे बाल्यावस्था है, चाहे द्वितीयपन है, चाहे तृतीयपन है, भजन में लग जाओ।